नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नासिक से वर्धा जा रहे एक पार्सल में विस्फोट होने से मंगलवार की शाम सिविल स्टाफ ने जीपीओ में दहशत फैला गई। सीतामढ़ी पुलिस तथा बम शोधक व नाशक दल घटना की जांच में जुट गई है। पार्सल नासिक में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा भेजे जाने से मामला संवेदनशील बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नासिक में तैनात दिलीप ठाकुर नामक पुलिस निरीक्षक ने वर्धा के देवली में रहने वाले अपने परिचित एक स्थानीय नेता को स्पीड पोस्ट से एक पार्सल भेजा था। ट्रेन से पार्सल नागपुर पहुंचा, स्टेशन से वैन में जीपीओ आया। शाम 5:30 बजे जीपीओ के कर्मचारी पार्सल को उतार रहे थे। इस दौरान एक पार्सल जमीन पर गिर पड़ा। पार्सल के गिरते ही हल्का धमाका हुआ, पार्सल से धुआं निकलने लगा। धमाके की आवाज से जीपीओ कर्मियों में दहशत फैल गई। उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी। पार्सल में विस्फोटक होने की आशंका से सीतामढ़ी पुलिस को इसकी सूचना दी गई। डीसीपी डॉक्टर संदीप पखाले, पीआई अतुल सबनीस दल बल के साथ जीपीओ पहुंच गए। पुलिस ने बम शोधक और नाशक दस्ते को बुला लिया। उसने खोजी श्वान की मदद से पार्सल की जांच की तो प्राणियों को भगाने के लिए इस्तेमाल पटाखे होने का पता चला। फिलहाल पुलिस ने पार्सल से मिले पते के आधार पर तत्काल दिलीप ठाकुर से संपर्क किया। बताया जाता है कि ठाकुर ने पार्सल भेजे जाना कबूल किया। ठाकुर किसी समय वर्धा में तैनात थे। इस दौरान उनकी देवली के स्थानीय नेता से पहचान हो गई। प्राणियों द्वारा खेती को हानि पहुंचाए जाने से उन्हें भगाने के लिए नेता को फटाके की जरूरत थी। उसने ठाकुर को फटाके लाने के लिए भेजा। उसके अनुरोध पर ठाकुर ने फटाकों का पार्सल भेजा था। पार्सल में 10 बॉक्स थे। प्रत्येक बॉक्स में 24 फटाके थे। बुलेट के आकार के इन फटाकों का एयरगन में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने बम शोधक व नाशक दल से विस्फोटक की जांच करने का अनुरोध किया है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट। या ठिकाणी एक पार्सल नाशिकवरून आलेलं होतं, जे देवळी वर्धा या ठिकाणी पाठवण्यात येत होतं। तर त्यामध्ये बहुधा काही ज्वलनशील पदार्थ असावा असा अंदाज आल्याने त्याची हँडलिंग करत असताना त्यामध्ये छोटासा स्फोट झालेला आहे। स्फोटामध्ये कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही आहे अशी सूचना मिळाल्यानंतर या ठिकाणी आम्ही आमचं BDDS पथक, त्याचप्रमाणे RCP आणि पोलीस स्टेशनचा स्टाफ, तसेच आम्ही वरिष्ठ अधिकारी यांनी या ठिकाणी येऊन सखोल चौकशी केलेली होती। आणि त्यातून असं निष्पन्न झालेलं की नाशिकवरून हे वर्ध्याला पाठवलं जाणारं पार्सल जे होतं ते ह्या पार्सल हबमध्ये आल्याच्यानंतर हँडलिंग करताना त्याच्यामध्ये छोटासा स्फोट झालेला होता। परंतु हे जे काही यामध्ये स्फोटके म्हणण्यापेक्षा ज्वलनशील पदार्थ आहे, ज्याला आपण जनावरांना वगैरे घाबरण्यासाठी वापरतात अशा प्रकारचं काही पदार्थ त्यामध्ये आहेत, जसं फॉस्फरस वगैरे, त्याचा तो स्फोट होता। तर या संदर्भात आम्ही आता पंचनामा करत आहोत। या ठिकाणी 10 बॉक्सेस त्या पार्सलमध्ये होते आणि त्यापैकी एक बॉक्स त्या ठिकाणी एक्सप्लोड झालेला आहे। तर हे जे मायनर एक्सप्लोजन होतं, सुदैवाने यामध्ये कोणतीही हानी झालेली नाही, परंतु तरी देखील या बाबतीमध्ये पोस्टाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या जे काही रूल बुक्स आहेत त्याप्रमाणे ज्वलनशील पदार्थ पार्सलने पाठवायला मनाई आहे। असं असताना देखील ह्या प्रकारचं पार्सल या इथपर्यंत कसं काय पोहोचलं याच्याबाबत सखोल तपास करून आवश्यक पडलं तर गुन्हा दाखल करून आम्ही अधिक तपास यामध्ये करणार आहोत। आम्ही त्या पार्सलवर जो काही पत्ता होता पाठवणाऱ्याचा, तसंच ज्याला पाठवलं जाणार होतं त्याचा, त्याच्यावरून विशेषतः जे पाठवणारे आहेत नाशिकचे गृहस्थ त्यांना संपर्क केलेला आहे। त्यांचं असं म्हणणं आहे की बाबा हा प्रतिबंधित पदार्थ नाही आहे, हा साधारणतः ग्रामीण भागांमध्ये माकडं किंवा इतर जनावरांना दूर पळवण्यासाठी वापरलं जातं ते, आणि ते त्यांचे एक परिचित इसम होते देवळी वर्धाचे, त्यांना मी पाठवलेलं होतं असं त्यांचं म्हणणं आहे। तर त्यांनी दिलेल्या माहितीचं देखील आम्ही व्हेरिफिकेशन करत आहोत। त्यांनी हे पदार्थ कुठून विकत घेतला, त्याचं काही बिल इनव्हॉइस आहे का, तो पदार्थ बाळगण्याबाबत किंवा पोस्टाने पाठवण्याबाबत काय नियमावली आहे, या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करून सखोल तपास करून आपण पुढील कारवाई करणार आहोत।